एक और सूट बाकी है जो कि आप सबके लिए, वो भी सरप्राइज है। और मैं सच में बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर में। अम्मा तारीफ कर दे, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लेकर आई हूँ मैं। हमको लोग देखने आ रहे हैं फ्रेंड्स, मैं बता दूं कहाँ हंस रहे वे सब सारी चीजें मैं इसलिए मंगाई हूँ कि मेरी भाभी, प्यारी भाभी लोग तीज व्रत रहेंगी। दिल के अरमां मतलब ये मन हो रहा वीडियो बनाने का यार। जब शादी हो जाएगी ना, जब मैं व्रत रहूंगी तो मैं तो उसी शर्त पे व्रत रहूंगी जब मेरा पति भी मेरे साथ व्रत रहेगा, अगर शादी करती हूँ तो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं आ चुकी हूँ अपने घर बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सोची थी कि घर जाते ही मैं वीडियो शूट करूँगी, रील्स वगैरह, लेकिन धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ है तो शायद मैं शाम को ही शूट कर पाऊँगी। और तब तक मैं अपना जो भी है सूटकेस वगैरह ले गई थी, बहुत सारे कपड़े थे तो वो सब मैं समेट लेती हूँ, अपने अपने जगह रख लेती हूँ ये सब सारा। पंकज वो वाला भी दो सूटकेस गया था ना, बस ये अपना रूम थोड़ा सा ठीक ठाक मैं कर लेती हूँ, फिर मैं रील्स की वीडियो शूट करूँगी। और एक सरप्राइज है मेरे लिए, नहीं है मतलब अम्मा के लिए है, जो कि मैं वहीं गोरखपुर से लेकर आई हूँ अम्मा के लिए, शायद उसको पसंद आए। वैसे मेरी पसंद की चीज़ें इसको समझ में नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो इसीलिए मैं लाती भी नहीं हूँ जल्दी, लेकिन इस बार सोचे चलो ले लेते हैं, लाई हूँ बेचारी के लिए। मैं इसके लिए कुछ तो अभी नहीं दूंगी, जब मैं अपना सारा काम कर लूंगी, सारा समेट लूंगी, जितना सूटकेस वगैरह जितना कपड़ा है सब समेट लूंगी तब मैं दूंगी। ओके, तब तक आप लोग ऐसे ही मेरे प्यारे से ब्लॉग में बने रहिए, मेरे लिए नहीं अम्मा के लिए। तो फ्रेंड्स ये मेरी फेवरेट चूड़ी है, मतलब बहुत ही प्यारी लगती है। हाँ अच्छा, ये भोलेनाथ बाबा एक का मुर्गा का है, एक का मुर्गा का गायब है। कौन सी? नामा मतलब एगो में असली एगो में नकली है। तो फ्रेंड आप क्या बोली कि मैं सब जान जाती हूँ नीचे से ऊपर, बस नकली खत्म लगाई ले बाटी। देखे ना कि सही पकड़ी, दोनों हाथ में के नकली है, देख लीजिए अभी क्या बोली बाप रे। तो फ्रेंड मेरे दोनों हाथ में कैमरा निकले। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वो लोग मेरे नेल्स पे कमेंट्स कर रहे हैं कि नेल अच्छे नहीं है, मुझे खुद ये नेल नहीं पसंद है, नहीं अच्छा है। बस मेरा एक और सूट बाकी है जो कि आप सबके लिए, वो भी सरप्राइज है। और मैं सच में बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर में, एक और सूट बाकी है जो कि आप सबके लिए, वो भी सरप्राइज है। और मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। नेक्स्ट मंथ है अक्टूबर में, तो आप लोग देख अभी तो चली तो जाऊँ सूट पे, तब मैं यकीन कर पाऊँगी कि हाँ मैं इस मूवी में काम कर रही हूँ। और हाँ जैसे कि ना 99% आते आते मतलब मेरा काम रुक जाता है, बिगड़ जाता है एकदम से, तो अभी मैं नहीं शो करूँगी। तो इसीलिए मैं सोचे बस अक्टूबर 15 अक्टूबर तक इसको मैं बचा के रखूंगी, उसके बाद मैं खुद निकलवा दूंगी, मुझे खुद इतना नहीं पसंद आ रहा है ये। फ्रेंड्स अम्मा बोल रही है कि अम्मा को ये अच्छा नहीं लग रहा है। अम्मा तारीफ कर दे, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लेकर आई हूँ मैं। अच्छा लगा था कुछ दिन के लिए, अच्छा बाद ना निकला गी परेशानी आ तो परेशानी कैसे था के मालूम आपको परेशानी अम्मा देखिए क्या जी कि मैं कंघी से खुजला रही थी पैर कपड़ा धोई नहीं कहीं सच बताऊं फ्रेंड्स तो मैं इस नेल से मेरा पैर वर में जैसे नहीं होता, कभी कभी हम लोग जब मेहंदी लगा लेते हैं हाथ में तो अचानक से बाल में खुजली होने लगती है या पैर में होने लगती है, तो सच में मैं कंघी लेके बैठती हूँ ऐसे खुजलाती हूँ ऐसे 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 कंघी से मतलब ये बस ऐसे शो के लिए, बाकी आप लोग अगर इतने बड़े बड़े नेल लगवा लो तो सच में बताओ तो काम हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये देखो आप लोग एकदम फुल्ली तरीके से रेडी हैं, एकदम से जैसे लग रहा परछौन करने जा रही हैं। कहाँ जा तो तीज भूखे मायके में लोग अपने ससुराल में भूखे ला ना तो भूखे ला तो जानते नहीं। हाँ दो दिन बाड़ी में भौजाई लोग ने हाँ जी रखा गई बाड़ी में के दीदी आई। अच्छा साथ ही भूखा लगी। अच्छा बड़ा स्पेशल साड़ी बने, दूसरा साड़ी नहीं मिले लगा आई दाई मेरे बाद की चीन है ठेके दिले रल है बाऊ जी। ये देखिए बस आप लोग, मेरे बाबूजी खरीदे थे इनको तो ये इसको रखी रहती हैं।
अच्छा एक साल भी दिए थे, सलिया यूज ही नहीं करती है ये। नहीं पता। अरे अम्मा इनके बाबूजी जन सलिया देने वाला है, सुन रही अम्मा जी, इनके पत्तो यही है तो यूज करिए, बाबूजी के निशानी जैसे जल्दी यूज कर ली लोग ना, जैसे हयो बाबूजी सड़िया खरीद ले ना और एगो साल खरीद ले ना तो यूज नहीं कर ली। का कहबू भाई, मार के हाँ। हमके अच्छा तू तो का दादा दादाजी तू तो पैदा ना भैल, तू पैदा भैल तू तो बताओ पता नहीं कितना राज बनके तो क्यों नहीं पूछो तो दादा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो गुड मॉर्निंग सबसे पहले, और कल काफ़ी लेट हो गई थी पूरा रूम क्लीन करते करते, और अपने कपड़े जो कि समेट समेट के अलमारी में रखते रखते लेट हो गई थी, तो काफ़ी शाम भी हो गया, तो मैं क्या बोलेगी, मैं सोची कि चलो कल करते हैं अम्मा के सरप्राइज़ वाला जो गिफ्ट है उसका कार्यक्रम। और हाँ मैं सबसे पहले आप सबको बता दूँ कि आज है विश्वकर्मा पूजा, तो अभी जस्ट मैं नहा के आ रही हूँ और अपना सारा सामान जो भी है, जो लोहे की चीज़ होती है उसको मतलब पूजा करना चाहिए, जैसे कि मेरा भाई जो मझले वाला भाई है वो क्या बोलते हैं, वो जो पंखा उंखा लोग बनाते हैं वो काम करता है, तो वो भी हर साल अपना विश्वकर्मा पूजा के दिन पेचकस पिलास पंखा जो भी है उसके मशीन उशीन सब रख के पूजा करता है। तो हमें नहीं पता था कि आने वाले टाइम में मुझे भी ऐसे पूजा करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब पूजा करता था तब तब लड्डू खाने को मिलता था, लेकिन इस बार वो लड्डू पूछते हैं लड्डू लाया था। चलिए मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मतलब कैसे उसने पूरा पूजा वूजा किया है अपने सामान का, वो तो पूजा कर चुका है, मैं लेट से उठी हूँ। ये सारा सामान देखिए विश्वकर्मा भगवान का, ये भी हर साल पूजा करता अपने सारे सामान का लेके, देखिए यही काम करता मेरा मझला वाला भाई, और यहाँ पे चढ़ा है। अच्छा बस इतना ही लड्डू आज का, यहाँ पे देखिए सारे लोग खाना वाना खा के लेटे हैं ऐसे ही दोपहर का, ठीक है कोई बात नहीं, हम मंगाए हैं ना, पंकज गया है लेने, अभी लेकर आएगा तो हम लड्डू चढ़ाएंगे और बच्चों को भी बांट देंगे। हाँ बताओ ना, हम हर साल बांटत रहे, वो चला मतलब चला के नहीं बोल सकते, पता नहीं हो सकता उसके पास पैसे कमी हो तो थोड़ा सा ही लड्डू लाया हो। ओके फ्रेंड्स चलिए आप सबको मैं अपनी सारी चीजें दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए ये रहा मेरा मंदिर, और मंदिर के नीचे मैंने ये अपनी सारी वीडियो से रिलेटेड चीजें यहाँ पे रखी है, सब कुछ हल्के पानी से भिगो के ये सब सारी चीज़ें क्लीन किया गया है। और ये रहा स्पीकर, जो कि स्पीकर अभी सूखा नहीं है क्योंकि प्रॉपर तरीके से इसको धुल के रगड़ के साफ़ किया गया है। हाँ जी, और ये रहा लड्डू जो कि मेरे पास भी कैश नहीं था, अभी मैं अपने भाई को बोल रही थी कि मतलब उसके पास पैसे नहीं थे लग रहा है, लेकिन सच बताओ मेरे पास भी नहीं थे, तो मैंने इतनी एक पाव लड्डू मिला। कितने का है पंकज? 50 रुपए का है, लेकिन अब देखिए प्रसाद है थोड़ा थोड़ा सब कोई खा लेगा, बच्चों को भी मैं बांट दूंगी। प्रशांत जो कि मैं बच्चों में बांटूंगी, तो पंकज बच्चों को बुला के लेके आओ। तो फ्रेंड सबसे पहले भोलेनाथ को मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, जय भोलेनाथ बाबा, जो है सब आप ही हैं, हाँ बस आपका साथ चाहिए और मेरी माँ का साथ चाहिए, बाकी और मैं किसी को नहीं जानती, सॉरी मतलब मेरे जो फैन है उनको कोई गलत कमेंट नहीं करेगा, कहने का मतलब मैं भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा मानती हूँ और अम्मा को, फिर सबसे पहले इन लोगों की वजह से मैं इस धरती पे आई हूँ, तो उसके बाद आप लोग हो मेरे लिए, यस। इसके बाद मैं सबसे पहले अम्मा को दूंगी, ठीक है, फिर मौसी को दूंगी, प्रसाद लीजिए ये, अरे 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 ये साड़ी कौन सी कंपनी बनाई है भैया, अरे ये देखो ये तो अंजलि 2 बन गई, लो वो बाल हटाओ, हाथ में बाल है, बाल हटाओ हाँ ये लो, ये देखो भैया ये सब हमको नकल कर रही है सब, यार हमको नकल कर रही है सब, लो पकड़ो, चलो आ जाओ प्रसाद हाथ में, हाँ लो लो खाओ खाओ खाओ, चलो जल्दी जल्दी।
हम भी घर पे छोटे अभी छोटी बहू है तो इनको हम एक दे देते हैं प्रसाद के फ्रेंड। फिर अब हमारी बारी आती है और आपकी भी बारी आती है, आप लोग मैं खा लूँ नहीं, पंकज को, पंकज हाथ में लो जल्दी से। पंकज भी मेरा बहुत मतलब मेरे कैरियर में मेरे उन्नति में सबसे बड़ा हाथ पंकज का भी है, सपोर्ट है तो बनता है। देखिए एक लड्डू बचा है तो मैं ही खा लूँगी क्योंकि मेरे भी मुँह में पानी आ रहा है। कहना नहीं चाहिए ये मोती चूर का लड्डू बहुत टेस्टी होता है यार, मोती चूर अभी देसी घी का मतलब पूछिए मत। मुझे मीठा पसंद नहीं है लेकिन ये काजू की चटनी और ये मोती चूर की लड्डू मुझे बहुत ही पसंद है। ओके चलिए तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप सबसे एक ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगी है बहुत तेज भूख तो सबसे पहले मैं पेट पूजा करूंगी, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये रोटी है या रोटा के बनेला सब इसे रोटियां। आप सबको दिखाती हूँ कितनी बड़ी बड़ी रोटी है, मतलब के बनावा था आजकल। अच्छा नहीं अच्छा तो सब है, खाना को मैं खराब नहीं कह रही हूँ, खाना को कोई खराब कहेगा बताइए। भूख जब लगी रहती है ना तो दो दिन का रोटी भी नहीं समझ में ये नहीं दिखेगा कि वो बासी है, इंसान खा लेता है। मैंने खाया है इसलिए बता रही हूँ। ये देखो अब माँ रोटी के बनावा था, हाँ ये देखिए रोटी कितनी बड़ी है, देख लीजिए अम्मा शिकायत कर रही है, देख लीजिए शिकायत करे अपनी बहू का। ये अम्मा शिकायत करते ये बेटियों पड़ी पड़ी तो क्या करी हम, हमारे पसंद की रोटी बना के दे देना दिखा दिया सबकी। अच्छा रोटी देखिए मेरी अम्मा, एक दिन रोटी बनाऊंगी तो सबको दिखा देना ठीक है, बना शाम के बनाओ तब। तो फ्रेंड मैं खा लूं खाना तब उसके बाद अम्मा का कार्यक्रम करते हैं, उनको दे देते हैं उनका। हेलो फ्रेंड्स ये देखो आप लोग इतना प्यारा मौसम हुआ है लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, मैं तबीयत बहुत तेज जैसे लग रहा खराब होगी मेरी, इतना प्यारा मौसम हुआ ऐसा। ये देखो आप लोग कितना प्यारा मौसम हुआ है आज, पता नहीं कहाँ से लग रहा बरसात अभी गई नहीं है यार, अभी बरसात है लेकिन मेरा आईफोन चार्ज नहीं है, लाइट भी बग गई है, लाइट भी कट गई है क्योंकि आंधी तूफान जैसे, ये देखिए बारिश भी हो रही है और हवा भी बहुत तेज चल रही है। ये देखो ये देखो ओ माय गॉड ये बादल देखो, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि फोन चार्ज नहीं है यार, ऐसे मौसम में पकौड़ी चाय मिल जाता है गजब। देखो आप लोग मेरा फोन चार्ज नहीं है, दिल के अरमान मतलब ये मन हो रहा वीडियो बनाने का यार। ये देखो आप लोग कैसे पूरे, ये देखिए ये कौन सा बारिश है, ऐसा बारिश मैं पहली बार देख रही हूँ भाई। ये देखो आप लोग यार इतना मन हो रहा है वीडियो बनाने का इस बारिश में, एकदम से मैं चक्कर में पड़ गई हूँ यार, मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं, हम कहाँ करें। तो फ्रेंड्स अभी तक लाइट नहीं आई, टाइम हो गया है 9:10 हो गया और मैं भी कपड़ा चेंज कर ली, मैं सोच रही थी कि आज रात में नाइट में लग रहा पंकज आ गया। तो ये रहा पंकज, पंकज को भेजी थी मैं कुछ सामान लेने के लिए बहुत ही जरूरी, ये दही है, दही है, इन दोनों में मिठाई है, इन मिठाई है कौन कौन सी मिठाई है दिखाओ, अब पहले आप लोग देख लो फिर बताऊंगी किस लिए ये सब आया है। ओह हमको लोग देखने आ रहे हैं फ्रेंड्स, मैं बता दूँ का हंस रहे वे ओ ये देखो ये मिठाई हो गई और ये दही हो गई, दूध लिए हो। सब सारी चीज़ें मैं इसलिए मंगाई हूँ कि मेरी भाभी प्यारी भाभी लोग तीज व्रत रहेंगी, तो अभी जैसे मैं खाना खा रही थी रोटी सब्जी तो मैं पूछी कि अम्मा बोली कि कल तीज है, तो मैं पूछी कि सारा सामान उमान आया कि नहीं आया, 3 बजे लोग रात में ये लोग जैसे कि खाते हैं ना उठ के चूड़ा दही फिर चाय मिठाई यही सब खाते हैं लोग, तो कुछ भी नहीं, मेरे भाई सब इतने बदमाश है कि कुछ भी नहीं लाए थे, छोटा वाला तो सिर्फ पॉलिथीन में इतना सा दही लेकर आया था, तो वो छोटी वाली भाई बोली तो मुझे देख के घिन आ रही थी, गुस्सा थे लोग, तो हम बोले अरे भाई मेरे रहते हुए क्यों नहीं आएगा तो वही सब सारी चीजें मंगवाई हूँ जैसे कि मिठाई दही दूध और चूड़ा घर पे है। पूछ लो उन लोगों से फल में क्या खाएंगी, मछली वाली से पूछ लेना, छोटी वाली केला नहीं खाती ठीक है। तो फ्रेंड्स इसलिए मेरा ये जिस फोन से मैं वीडियो बना रही हूँ ये अभी 13% चार्ज बचा है, इन लोगों को 24 घंटे बिना पानी पिए रहना पड़ता है ना,
तो मैं वो सीन तो लेना चाहती हूँ कि लोग देखें कैसे राक्षसों के अंदर ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अभी 3 बजे रात को, ये लोग 3 बजे उठेंगे ओके। सो फ्रेंड, तो मैं चना भिगो रही हूँ और क्योंकि अम्मा भी खाती है सुबह सुबह चना ही, और मैं भी सोच रही हूँ मैं भी स्टार्ट करूँगी, तो वही मैं मंगवाई चना और बादाम, ये दो गो प्रेम खाएगा, मैं चार खाऊंगी, दो तमन्ना खाएगी, दो सोना खाएगी, चलो 3 पंकज के रख देते हैं, हम नहीं खाते। हाँ तुम अच्छी चीजें नहीं खाओगे, पर ये रहा किसमें, अब मैं सोच रही हूँ ना मैं अच्छी अच्छी चीजें खाऊं, जैसे कि मसाले वसाले वाली बहुत खा रही थी ना, थोड़ा सा मैं डाइटिंग पे चल रही हूँ इस वजह से, देख रहे अभी तक लाइट नहीं आया और गलिया दुकान लाइन में बाय गुड नाइट, मिलते हैं जब लाइट आने के बाद ठीक, और वो लोग जब खाएंगी ठूसेंगी तब। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आप लोग, टाइम 3:10 हो रहा है और अम्मा आई है, तो वही पूछ रही है सामान ले जाए, बोले ले जाओ, हम तो रात ही में देते रहो नहीं रखे के, तो भाभी अच्छा तो आप रखो ले ले जाओ, लेट से सोई ना, लाइट ठीक कर पाया, अभी चलते हैं नीचे दिखाते हैं। बाप रे चूड़ा, ये चाहिए भूखा था नंगा, ये देखिए देखिए, अच्छा ये सब भी उठी हैं, अरे ये सब खाने के लिए उठी हैं सब, अरे भगवान है सब खाने के लिए, सब खाने के लिए, हम जान गए हैं भोलेनाथ बाबा, इनको देखे फ्रेंड्स, ये लोग स्टार्ट कर चुके हैं खाना, ये दूध चूड़ा खा रही है, पहले हम भी इसकी तरह उठ के बैठे रहते थे अम्मा के बगल में खाने के लिए, देखिए अरे ये का है रोवत है, चला 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 सोना है, इसका है, जैसे ये लोग अब खाए आपको डीटा बड़ा भयंकर, हम ब्रश बिना कहीं ले और छोटे से थे तो खाते थे, और हमको पहले छोटे अम्मा जब अम्मा जब नहीं जगाती थी तो सुबह में अम्मा से लड़ते थे, कहते थे देखा जगाई ला सुनाई हमके, हाँ हमके जगाई ना आई। तो फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूँ, अब मुझे नींद ही नहीं आ रही है, इतना अच्छा नींद, मतलब अपनी इतनी अच्छी नींद तोड़ के मैं गई थी नीचे वीडियो लेने के लिए, अब नींद ही नहीं आ रही है यार, ऐसा क्यों होता है, एक बार जब नींद टूट जाती है तो दोबारा आती क्यों नहीं है नींद। तो फ्रेंड्स मेरे भाभी लोग छमक छल्ल तैयार हो गई हैं, चलिए आप सबको दिखाते हूँ और मैं भी थोड़ी रेडी हुई हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये बड़ा साड़ी बड़ी पहनी है, क्या लग रही हैं आप ये देखिए, अरे उठिए भाई उठ के दिखाइए थोड़ा देखें, अरे बाप रे बाप सब तैयार हो गई हैं लोग एकदम, और एक लोग को दिखाते हैं देखें अरे यार, अरे इधर आइए उजाले में आइए भाई उजाले में, हाँ हम तो वीडियो के लिए तैयार हुए हैं, देख लीजिए आप लोग भी, मैं भी तैयार हुई हूँ देखिए, मैं वीडियो के लिए रेडी हुई हूँ, बहुत ही खतरनाक डायलॉग वाली वीडियो है माधुरी मैम का, मेरे इंस्टा आईडी पे पड़ा है, जाकर आप लोग देख लीजिए, मतलब अभी बनाऊंगी, मतलब पड़ गया है, मतलब ये ब्लॉग लेट से थोड़ा पड़ेगा ना इसलिए, नहीं नहीं अभी नहीं पड़ा है, अभी नहीं पड़ा है, हाँ क्योंकि ये 30-20 में मिक्स है इस ब्लॉग में, तो इसको जल्दी डालूंगी ना। तो फ्रेंड्स ये लोग पूजा करने जा रही हैं, थोड़ा सा वहाँ पे फुल्की आया ना, तो थोड़ा सा मैं खा लूँ, यहाँ पे जल्दी मिलता नहीं है, अभी मैं अचानक से देखी, तो भैया लग रहा लेट करेंगे, तब तक मैं आप सबको पूजा पाठ दिखा देती हूँ इन लोग का, ये देखिए मैडम गजब, अरे अंधेरे में तो नहीं दिख रहा था, बहुत सुंदर, अरे फोटो भी खिंचवा रही है ना भाई, देखो यार सब अंजलि चौहान बन रहे हैं लोग, हैं उन्हें घरवा कहीं से, जब शादी हो जाएगी ना, जब मैं व्रत रहूंगी तो मैं तो उसी शर्त पे व्रत रहूंगी जब मेरा पति भी मेरे साथ व्रत रहेगा, अगर शादी करती हूँ तो उसको भी रहना पड़ेगा, उनको भी रहना पड़ेगा, सॉरी तुम बोल दी, उनको भी रहना पड़ेगा, बस अभी तक आया नहीं, कहाँ है, आए नहीं कहाँ है।
तो फ्रेंड्स आप लोग देख लीजिए, यही साड़ी है अम्मा का गिफ्ट। हाँ आप लोग देख लीजिए, ऐसा है आज तक का सबसे महंगी साड़ी है अम्मा, नहीं आज तक की सबसे महंगी साड़ी अम्मा जाएगी छठ में पहन के। हाँ ये भी इसका ड्रीम कंप्लीट, मतलब एक होता है कि मतलब जो पसंद आ गया वो खरीद लो, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं साड़ी खरीदने गई और मतलब अम्मा को छठ में, तो कभी कभी क्या है ना कि थोड़ी साड़ी कुछ ऐसी महंगी पसंद आ जाती थी तो नहीं खरीदा पाता था, तो इस बार मतलब जो पसंद आया वो मैं खरीद ली। और ये सब आप सबके प्यार और सपोर्ट के वजह, आप सबके वजह से हो पाया है, आपके सपोर्ट और प्यार और आप लोग के वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा इसमें कुछ है, सबसे ज़्यादा आप सबका इसमें सहयोग है कि आप लोग के वजह से आज अम्मा को जो मतलब जैसी साड़ी चाहिए थी। नहीं होता कि ये साड़ी है, बता दूँ आप सबको 4000 की, ये साड़ी 4000 की है और इसके लिए इस बार छठ में मैं गोरखपुर से खरीद कर लेकर आई हूँ। अम्मा कभी सोची थी, कभी सोच ले रहो नहीं कि जो पसंद आ जाए वो खरीद आए वो हम पहन ले? नहीं, खरीद के आप लोगों के सपोर्ट से, सपोर्ट से। हाँ मैं भी, मैं भी तो सपोर्ट से अभी ना मैं साड़ी नहीं पहन लूँगा। बात महंगे की नहीं है, बात है पसंद की, पसंद की बात है। हाँ मतलब पसंद की, पसंद की बात है, आप लोगों के पसंद हमारा पसंद। अच्छा हाँ तो देख लिया आप लोग। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सबको अम्मा की साड़ी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये मेरा प्यारा सब लोग आप सबको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।